What is up everyone, Sankey here और in this video मैं एक customized painting बनाने वाला हूँ office के cabin के लिए. Without wasting any time, let's get into it. तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रहा हूँ वो ऑफिस में जिस ऑफिस के लिए मैं आज पेंटिंग बनाने वाला हूँ. एंड दिस इज CA's ऑफिस और दिस इज माई सेकेंड विजिट. अभी मैं मेजरमेंट्स लेने जा रहा हूँ. ये है वो ऑफिस, दैट्स द कैबिन, और इसी कैबिन के लिए आज हम करने वाले हैं पेंटिंग. और कितने आदमी थे? मेजरमेंट हो चुका है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा बड़ा साइज का पेंटिंग बनने वाला है. तो अभी हमारा काम है 28x32 का कैनवास ढूंढने का, और लेने के बाद शुरू करते हैं हमारी पेंटिंग. लेट्स गो. 1 2 3 4 और ये है आम जिंदगी. So yes, for this painting we need some weapons like a gesso, a brush, knife, cloth and a bowl. Yes, that's new. और ये है पेंटिंग का सबसे सैटिस्फाइंग पार्ट. गेसो अप्लाई करने के लिए हमें ये कैनवास आड़ा करना पड़ेगा. अरे यार, नेवर बाय प्लास्टिक क्लिप्स. अभी हमें टेक्सचर करना है इसको, ऐसा डुबा के ऐसा डाल देने का. वाओ, जस्ट लुक एट दैट. अभी पूरे कैनवास पर ऐसे ही टेक्सचर होने वाले. टेक्सचर का काम पूरा हो चुका है और नाइफ का यूज कुछ भी नहीं किया, तो उसको बुरा लगेगा यार मैंने कुछ नहीं किया उसका यूज. तो देखो, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखोगे कि पेंटिंग पूरी होने से पहले ही कोई साइन कर रहा है. लिटिल में लिखूं या स्मॉल में? नहीं नहीं, वो मैं लिख दूंगा. अरे चलो ठीक है, कैपिटल, सब कैपिटल. लास्ट के वर्ड्स, ओहो क्या बात है. अरे यार केत मराठीत लिहितो आपण. नो प्रॉब्लेम ब्रो, व्हाइटनर लावू आपण. नाही घ्या व्हाइटनर लावू. भारी झालंय बोल. Day 2, let's go. चलो आपको मेहमानों की पहचान करवाई जाए. ये है थिनर जो ब्रश का ख्याल रखते हैं, और ये है लिंसिड और टर्पेंटाइन, समझ लो पति पत्नी है. दोनों को मिक्स करके कलर में यूज किया जाता है. और यहाँ पर मैं टेम्पररी एक पैलेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड हियर वी गो, ये पैलेट है अभी. सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक ए कंटेम्पररी आर्टवर्क विच मेक्स मी वेरी स्केयर्ड, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि कंटेम्पररी आर्टवर्क कैसे होते हैं. वो नाइस, ऊप्स, काम डाउन, डोंट वरी, ये सब तो होता रहता है. लेट्स गेट बैक टू द वर्क. वाओ यार, जस्ट लुक एट दोस टेक्सचर्स. आई एम फीलिंग लाइक पेंटिंग जब कंप्लीट होगा ना तो बहुत सही दिखेगा. भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले. यार मुझे एक समझ में नहीं आता है, जब भी मैं कुछ वीडियो बनाने जाता हूँ ना तभी मेरे साथ ये सब हादसे होते हैं, नहीं तो बाकी टाइम है ना बहुत एकदम फ्लुएंटली सब काम होता है, कभी कुछ नहीं गिरेगा, उल्टा कम टाइम में होगा. खैर छोड़ो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. आगे का पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा. एंजॉय. वाओ, जस्ट लुक एट दैट गोल्ड कलर. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू माय दादा. ही इज़ लाइक अ बैकबोन फॉर मी. एंड और उनकी सुनहरी स्माइल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा सुनहरा कलर. टेक्निकली देखा जाए तो ये पेंटिंग की लास्ट स्टेप थी, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू माई कस्टमर्स. सो तो उसी लिए मैं कुछ खास चीज़ ढूंढने के लिए मेरे दोस्त विपुल, मेरा स्कूल फ्रेंड है ये विपुल, और उसी के साथ मैं एक आर्ट शॉप में जा रहा हूँ. और ये है वो चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था. इट्स अ गोल लीफ. और आपको अगर फोटो खींचने को नहीं आता है तो ये सुनो. क्या है, लाइट है ना ज़्यादा, अपन धूप में लेंगे तो फोटो प्रॉपर आता है. समझा? काकी आइकता है ना. All right, got everything. Let's hope कि आगे सब बढ़िया हो.
ये जो आगे होगा ना वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये दिखाने के लिए मैंने बहुत फनी वे में दिखाया बट इट वॉज इरिटेटिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक इट हार्ड, देयर इज ऑलवेज अ सिंपल वे. वाओ, आई डोंट नो व्हाई गोल्ड ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल. और मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू से goodbye to this golden baby and hi to her new home or office. Chalo khud hi dekhte hain. Let's go. So today for the first time I have prepared something for grand opening of this painting and oh, he looks very excited. Let's see how it goes in 3, 2, 1. Alright, that was a fun video and बहुत मजा आया ये पेंडिंग करते वक्त, ये शूट करते वक्त एंड काफी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और इसके पहले भी कर चुका हूँ तो उनकी वीडियोज अभी प्रोसेस में है, फ्रिक्वेंसी बढ़ेंगी वीडियो की. सो मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.